Very good morning to all of you, my dear students. Dear kiddos, today in class 2 English, Marigold, unit number 2, we are going to do new words and word meanings. Dear students, as you are watching right now, the chapter is going on and the name of the chapter is I Want. And in this chapter, first of all, I am explaining you the new words of this chapter. So here are the new words, students. First of all is strong. S-T-R-O-N-G, strong means powerful. W-I-S-E, wise, intelligent. M-A-G-I-C, magic. जिसे आप जानते हैं, जादू करना. Stretches, S-T-R-E-T-C-H-E-S. Giraffes, G-I-R-A-F-F-E, apostrophe S, giraffes, यानी कि जिराफ का. T-R-U-N-K, trunk, S-T-R-I-P-E-S, stripes, C-R-I-E-S, cries, M-O-N-S-T-E-R, monster, A-W-F-U-L, awful, W-A-N-D, wand, B-L-O-W-S, blows, W-I-S-H-E-S, wishes, A-G-A-I-N, again. So students, these were new words of the second chapter, I Want. And as I have told you earlier, new words means the spellings of these words and the proper pronunciation of these words, you have to be acknowledged. आप सबको इनका प्रोनाउंसिएशन करना आना चाहिए प्रॉपर तरीके से और साथ ही इनकी स्पेलिंग जरूर आनी चाहिए बेटा. तो चलिए बेटा, अब हम चलते हैं वर्ड मीनिंग्स की ओर. तो जहाँ तक बात है वर्ड मीनिंग की बेटा, तो यहाँ पर वर्ड मीनिंग मैंने आपकी पूरी यूनिट नंबर 2 के वर्ड मीनिंग एक साथ लिए हैं. चैप्टर आई वॉन्ट जो अभी आपने पढ़ा और इससे पहले जो पोएम थी यूनिट 2 की आई एम लकी, इन दोनों ही चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग मैं अभी आपको एक साथ कराने जा रही हूँ. These are the word meanings. Strong means powerful, मतलब शक्तिशाली, ताकतवर. W-A-N-D, wand, इसका मतलब होता है, wand होता है बेटा, जिसे हम लोग कहते हैं एक लंबी सी पतली सी छड़ी जो होती है, तो magic wand का मतलब जादू की छड़ी, आप सबने सुना होगा. तो wand होता है long thin stick, एक लंबी पतली सी rod. Blows, blows का मतलब क्या होता है, हिंदी में कहते हैं फूक मारना. तो जब फूक मारते हैं तो उसको हम लोग कैसे इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे, एक्सपेल एयर थ्रू लिप्स, एयर को मतलब हवा को बाहर की ओर फेंकना लिप्स से, ठीक है, जैसे होता है एग्जैक्टली. आप भी इसको जानते हैं करना, आप सभी कैंडल को ब्लो करते हैं अपने बर्थडे के टाइम पे, दैट इज़ कॉल्ड ब्लो. T-R-U-N-K, ट्रंक, देखिए बेटा, अब जब ओनली ट्रंक की बात होती है तो सिंपली ट्रंक बोला जाए तो ट्रंक का मतलब होता है जो बड़े बड़े से आपके हैवी हैवी ट्रीज होते हैं उनका जो स्टेम होता है उसे कहते हैं हम ट्रंक, द हैवी स्टेम ऑफ द ट्री. बट अगर आपसे कहा जाए एलिफेंट्स ट्रंक, तो एलिफेंट्स ट्रंक का मतलब एलिफेंट का स्टेम नहीं होगा. एलिफेंट्स का ट्रंक वहाँ पर होता है एलिफेंट की नोज, जिसे हम लोग कहते हैं, जो उसके हेड से लेकर स्टार्ट होती है, जिससे कि आपको पता है वो पानी अपनी बॉडी में फेंकता है, तो वो होता है एलिफेंट्स ट्रंक. तो ये आपको पता होना ज़रूरी है. मॉन्स्टर, मॉन्स्टर का मतलब होता है हिंदी में एक राक्षस सा, बड़ा सा, भयानक सा दिखने वाला. मीन्स अ लार्ज फ्राइटनिंग क्रिएचर, एक बहुत बड़ा डरावना सा प्राणी. वाइज मतलब इंटेलिजेंट. स्ट्रेचेस, स्ट्रेचेस का मतलब होता है बच्चों एक्सटेंडेड, मतलब फैलाना. ऑफुल, A-W-F-U-L, ऑफुल मतलब वेरी बैड, अनप्लीजेंट. तो अगर कोई, आप सपोज करिए, कोई बच्चे कई बार क्या होते हैं, अजीबोगरीब कपड़े पहन लेते हैं घर में, होता है ना, मम्मी की बड़ी बड़ी ड्रेसेस पहन ली या पापा की, और बाल मम्मी की मतलब मम्मी का मेकअप करना शुरू कर दिया, तो उस टाइम पे हम बच्चे को देखकर अजीब सा पूरा मुंह में कर देते हैं, लिपस्टिक लगानी नहीं आती, काजल नहीं, बट फिर भी ट्राई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑफुल. तो उस टाइम पे हम कह सकते हैं कितने भयानक से लग रहे हो, जो अच्छे नहीं दिख रहे हो, यू आर लुकिंग ऑफुल. तो इसे कहते हैं अनप्लेजेंट. अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट का मतलब जो खुशी नहीं दे रहा, अजीब सा, गंदा सा दिख रहा है, वेरी बैड, दिस इज कॉल्ड ऑफुल. W-I-S-H, विश मतलब चाहना.
किसी चीज़ को चाहते हैं, वॉन्ट टू डू समथिंग, जब हम किसी चीज़ को कुछ करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड विश। रिगल, WRIGGLE, रिगल का मतलब होता है बच्चों ट्विस्ट एंड टर्न विथ क्विक बॉडी मूवमेंट्स। देखिए यहाँ से आपका यूनिट वन की वर्ड मीनिंग स्टार्ट हो रही है। तो रिगल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, पूरी बॉडी को इधर उधर मूव करना। कहते हैं जब बहुत आदमी खुश होता है, मस्त होता है, तो उस टाइम पे हल्का सा डांस के कुछ मूव्स करने की कोशिश करता है, बॉडी को हिलाता है, प्रॉपर डांस करना नहीं कहते। दैट इज कॉल्ड ट्विस्ट एंड टर्न विथ क्विक बॉडी मूवमेंट इज कॉल्ड रिगल। GIGGLE, गिगल। गिगल का मतलब होता है बच्चों लाफ लाइटली एंड रिपीटेडली इन अ सिली वे, धीरे धीरे से हंसना और कंटिन्यूशन में हंसना। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। GLEE, ग्ली। ग्ली का मतलब होता है बहुत खुश होना। बहुत ज़्यादा जब कोई खुश होता है तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं ग्ली, यानी कि प्लेजेंट, हैप्पी, ग्रेट डिलाइट। लास्ट वन है जी स्ट्राइप। स्ट्राइप का मतलब होता है बेटा अ लॉन्ग नैरो बैंड। जैसे आपने देखा होगा कई बच्चों की टाई में भी स्ट्रिप्स लगे होते हैं, और ऐसे ही आपके स्ट्राइप्स जो होते हैं आपने जिराफ की बॉडी में भी देखे होंगे, है ना। ऐसे ही मतलब कहने का मतलब स्ट्राइप्स का मतलब होता है नैरो नैरो सी, लॉन्ग लॉन्ग सी बैंड जिसे हम लोग कहते हैं। तो जैसे जीब्रा की बॉडी में भी होता है ना। तो ऐसे ही बेटा आपको ये आई होप समझ आ गया हो वर्ड मीनिंग्स और न्यू वर्ड्स। तो आप जल्दी से आपका काम क्या करना स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू ऑल दीज एक्सरसाइजेस ऑफ न्यू वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स इन योर इंग्लिश नोटबुक विथ प्रॉपर प्रोनंसिएशन एंड विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू एवरीवन।